हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई। अभी सो के उठ गया, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 8। चलते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे और फिर खाने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि आज है 12:30 बजे से क्लास, और उसके बाद क्लास निकलेंगे और वहाँ जाने के बाद फिर क्लास शुरू, प्रैक्टिस, और कुछ स्पेशल है आज जो मैंने किया है, दिखाऊंगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। हो गया हूँ रेडी और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, ओट मिल। ये सुबह सुबह मैंने बनाया ओट मिल, ब्रेकफास्ट में यही है अभी। ओम अहम वैश्वानरभूतः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणः पानसमायुक्तः पचामेन्नम च दुर्विधम्। जब भी आप खाना खाइए, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, कुछ भी कीजिए, तो भगवान को, गॉड को थैंक्स ज़रूर बोलिए। चाहे आप गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर थैंक्स बोलना ज़रूरी है। लंच में बनाऊंगा दाल चावल रोटी, शुद्ध शाकाहारी फूड। बस अब क्लास निकलते निकलते थोड़ा कॉमेडी शो देख लेता हूँ ताकि मूड फ्रेश हो जाए, एकदम मस्त हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इंजॉय। क्लास में 1 घंटे पहले निकल जाता हूँ इसलिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो इलेक्ट्रिक बाइक है मेरी, उसे चार्ज में लगाना पड़ता है। तो अगर 2-3 घंटे अगर अच्छे से चार्ज हो जाता है ना, तो फिर 30-40 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा। वैसे तो पूरे 7 से 8 घंटे चार्ज होने में लगते हैं 50 किलोमीटर जाने के लिए। तो भाई धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे और बजने वाले हैं 11:30। मैं क्लास के लिए निकल चुका हूँ और यहाँ से 10 मिनट लगते हैं क्लास जाने में, 10 से 12 मिनट अगर तेज़ चलाऊँ तो, वरना 15 मिनट। ये हूँ मैं। चलिए मोबाइल को रखते हैं जेब में। भाई फाइनली अभी स्टूडियो पहुंच गया। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज गर्मी है, हालत गंभीर है भाई, बहुत ज्यादा ही तेज धूप पड़ रही है, गर्मी। एक मिनट रुक जाओ भाई, इसको अभी गाड़ी को लगाना है चार्जिंग में। तो इतने आ गया, फाइनली बाइक को चार्जिंग में लगा दिया, स्टूडियो पहुंच चुके हैं। ये एक चिमकांडा गन लेके आया हुआ है। 24 इज द ओपनिंग सेरेमनी। बज चुके हैं 11:36 और अभी 12:30 बजे से होगी मेरी क्लास। आई दिखाना नहीं है, सरप्राइज है, सरप्राइज नहीं कुछ लोगों के लिए। इधर है कॉफी मेकर। अभी ये सारा सेटअप हुआ है यहाँ पे किचन के लिए, मतलब अगर आप स्टूडियो में हैं, जैसे हम लोग जितने एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले बॉस वगैरह सारे लोग हैं, तो बाहर खाने से बढ़िया वहीं पे हम लोग कुछ नूडल्स वगैरह, ऑमलेट वगैरह कुछ भी बना लेते हैं, यहीं पे खा लेते हैं। कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी मशीन, फ्रिज वगैरह में सारे सामान वगैरह रखे हुए खाने पीने के। इस तरफ मीट वगैरह है, इस तरफ फ्रूट्स। कल मैंने अपने हाथों में बनवाया टैटू, ये गायत्री मंत्र पहले का है, ये मृत्युंजय जाप।
你公司在边啊？噔噔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 के साथ खेलना बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना हरामी बच्चा ये ना, ये ट्रेंडिंग वीडियो Now I give you new challenge. यहाँ पे फिर से कोविड के केस मिलने लगे हैं, इसकी वजह से फिर से न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है फिर से शुरू हो गया है हर जगह। अब हर वीक में 2 या 3 बार न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे या 72 घंटे की रिपोर्ट चाहिए। तो शाम को इस जगह पे मैं आ चुका हूँ, बस ये मेरे घर के बाहर ही है जो सुबह मैंने दिखाया था। ये नाइट व्यू है, इस सामने यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम होता है, सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे। अभी मैंने कर लिया है वीडियो एडिट, उसे करना है अपलोड। बच चुके हैं 12, कुछ 5-6 मिनट जो भी लगेगा अपलोड होने में, मैं अपलोड करने के बाद सो जाऊंगा। और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं, लव यू टू ऑल ऑफ़ यू।